प्रणाम दीदी। प्रणाम भैया। बड़ी मेहनत करते नहीं दीदी? जो मुर्गी पोसले बानी तेरा दाना खिहाई के पड़ी भैया। रउआ तो मुर्गियों पलले बानी दीदी, और सुने नी कि रउआ बीज उपचार करके रउआ खेतियों करे नी? हाँ भैया, रउआ सही सुन ले बानी, हम भिंडी के बीज उपचार करके ही खेती करी नी भैया। दीदी हम सीखे आयल बानी, हमरो के बीज उपचार करके बता दी। भैया रउआ समय पर आयल बानी, रुकी हम घर से सामग्री लेके आओ तो रउआ के बताए भिंडी के बीज कैसे उपचार कइल जाला। भैया सब सामान ले आयल बानी बैठी, भिंडी के बीज कैसे उपचार कइल जाला बताओ तनी। बीज उपचार तो दीदी रुआ हमरा के बतइबे करेम, लेकिन ओकरा से पहले आपन परिचय दे देती तो बहुत ठीक रहित। हमर नाम आशा देवी, गांव बरई टोला गंगा जीविका स्व सहायता समूह के सदस्य हैं, प्रखंड नरकटियागंज। दीदी परिचय तो रुआ बहुत अच्छा देनी है, और बीज उपचार के हमरा के तरीका रुआ बता दी। अच्छा भैया रुआ बैठी, भिंडी के बीज कैसे उपचार कइल जाला हम बताओ तनी। भिंडी के बीज उपचार करे में इतना सामान लागेला, ये बा भिंडी के बीज भैया। भैया ये सुसुम पानी है। दीदी भिंडी के बीज उपचार में ये सुसुम पानी का है खतरा? भैया भिंडी के बीज साल भर सुतल रहेला, ओ एकरा के जगावे खातिर सुसुम पानी जरूरत पड़ेला। भैया ये बा केचुआ खाद एकड़ो जरूरत होला। दीदी बीज उपचार में केचुआ खाद ई का है खतरा? केचुआ खाद डालला से भोजन के पूर्ति होला। भैया बीज उपचार में मीठो का जरूरत होला। दीदी बीज उपचार में मीठा काहे खातिर? भैया मीठा से पोषक तत्व के पूर्ति होला। अच्छे दीदी। भैया एमे गौमूत्र के भी जरूरत पड़ेला। गौमूत्र से बीज में कीड़ा ना लगेला की? भैया गौमूत्र से बीज रोग मुक्त हो जाला। भैया ई बा बीज अमृत, भैया बीज अमृत मिलावला से बीज में फुफुदी ना लगी। भैया एमे सूती कपड़ा का जरूरत पड़ेला। दीदी सूती कपड़ा ई का है खातिर? ओकरा के छाने खातिर सूती कपड़ा के जरूरत होला। सुम पानी अब एमे बीज के उपचार करता नहीं। दीदी ई एतरे रुआ काहे मिलावता नहीं है के? ई बिया नीमन नीचे बढ़ जला, खराब बिया छना जला ऊपर। ओ यही खातिर मिलाओ जला दीदी? हाँ भैया, खराब बीज के छान के बीग दे हो जाए। भैया भैया ई बा खराब बीज, अब हम बीग देता नहीं। भैया जरूरत के हिसाब से मीठा भी मिलावल जाला, जरूरत के हिसाब से केचुआ खाद भी मिलावल जाला। जरूरत के हिसाब से गौमूत्र भी मिलावल जाला। एमे सब सामान मिला देनी, अब एकरा के ले जतनी 6 घंटा खातिर छिया जगह रख दे। आई भैया 6 घंटा हो गई। हाँ दीदी 6 घंटा हो ये गई बा। देखी भैया अब एकरा के हम छाना तनी। भैया जरूरत के हिसाब से बीज अमृत भी मिला रहल बने। भैया अब एमे सब प्रक्रिया कर लेनी, अब एकरा के 8 घंटा खातिर बांध के रख तनी ताकि अंकुरित हो जाए। एगो अवरी भात भैया, अब एकरा के 8 घंटा के बाद अंकुरित हो जाए तो तैयार खेत में ले जाके एकरा के लगा देवल जाए। भैया दीदी भिंडी के बीज उपचार करके खेत में लगावला से कौन कौन फायदा बा दीदी?
एकर मुख्य दो फायदा बा भैया। पहला फायदा पूरा बिया जाम जाए, दूसरा फायदा पौधा मोट होई, ओमे रोग ना लागी। दीदी इ तो भिंडी के बीज उपचार करके लगावे के ई बहुत अच्छा तरीका बा। हाँ भैया अच्छा तरीका बा, तबे तो भिंडी के उपचार को के खेत में लगावल जाला। दीदी कौनो सावधानियो रखे के बारे में? हाँ भैया पानी अधिक गर्म ना होके के चाहे, पानी केवल सुसुम होके के चाहे, बीज के छायादार जगह पर रखे। अच्छे दीदी किसान दीदी भैया लोग के कोनो संदेशो देवे के बा? हाँ संदेश जरूर देम भैया, सभी किसान दीदी भैया से अनुरोध बा कि भिंडी के बीज उपचार करके ही खेत में लगावे और अधिक लाभ उठावे। दीदी भिंडी के बीज उपचार करके हमरा के रुआ बहुत समय देनी और हमरा के समझौनी, एकरा खतरा बहुत बहुत दीदी के धन्यवाद। धन्यवाद भैया।